सो हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी के। और आप देख रहे हो ड्रॉ विद क्रिश बिलवाल। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है, बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं बुक्स को नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, एंड काफ़ी बच्चे जो हैं जो कि अभी जस्ट जेई में इसका पेपर दे के हटे हैं, और अभी जो आने वाले हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक में से एक है ये, मतलब वीडियोज़ में से एक है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है, जो कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में मैं इनडेप्थ नॉलेज दूंगा। सो अब आ जाते हैं हमारी मेन मुद्दे पे, जो कि है हमारी बुक्स। तो बुक्स के पास सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हमारी जो बुक है वो है आपकी वर्ल्ड आर्किटेक्चर। तो ये जो है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जो हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही नहीं, ये आगे आने वाली जितनी भी हमारे सब सेमेस्टर्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिकॉज इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स दे रखे हैं जो कि हमारी सारी सिविलाइजेशन होती है, इजिप्शियन से लेकर ग्रीक रोमन एंड ऑल, जितनी भी है सारी की सारी यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हो इसका। एंड जो इसकी प्राइसिंग है फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो 355 के आसपास, 350। एंड इसको आप 350 के अंदर ही ले सकते हो। और साथ ही साथ अब आ जाते हैं, सो ये अगली आ जाती है आपके पास जो कि है न्यूफर्ट्स। सो ये है आर्किटेक्चर डाटा। सो इसके साथ एक और बुक आती है जो कि है आपकी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। एंड ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको एक बार दे देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई घर बना रहे हो, सो घर बनाने के लिए भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए कि इससे ऊपर आपकी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। हर जगह पे एक स्टैंडर्ड होता है, अगर आपका घर उससे ऊपर बन गया या फिर एक इमारत और बना दिया आपने अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया तो टूट जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होते हैं जिनको हम इंडियन स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, ISO। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो। सो वो एक अलग बुक है, और क्या बता मैं उसको अच्छी तरह बोल नहीं पाया। सो वो भी एक इंडियन स्टैंडर्ड्स की बुक है। साथ ही साथ ये जो है ये आपकी पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। एंड इसके अंदर आप इसका फ्रंट लुक देख लो, एंड ये जो है ये है सेकेंड एडिशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इस बुक के बारे में भी मैंने आपको जिसकी बताई दिया अब, और इस बुक को मैंने PDF क्यों कर रखा है जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्पाइरल कर रखा है मैंने इसे। क्यों कर रखा है? क्योंकि ये बुक की कीमत 4,000 रुपये है। ठीक है, एंड उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार इतना फूकूंगी नहीं फूकू, इतना मतलब फूकना भी चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा मतलब किसी बुक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से यार हमें पहले जब नॉलेज नहीं होती तब तक हमें नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़, तो इसीलिए मैंने इसकी PDF कर ली थी। बट आगे क्या पता, आगे आने वाले टाइम पे मैं इसकी बुक भी खरीदूँ, कुछ पता नहीं है। तो ये जो बुक है अच्छी बुक है, और मैं आपको मना ही करूँगा, अपने खुद को ही मना कर रहा हूँ मैं कि इसकी मैं PDF ही खरीदूँ, PDF ही बनाऊँ, क्योंकि इसके ना एडिशन चेंज होते रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे सो डे टू डे लाइफ में इनोवेशन एंड ऑल होते रह रहे हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट के या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर किसी ने कोई तरकीब निकाल दी, ठीक है, कोई इनोवेशन कर दिया, तो उसके कारण भी आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं। सो इसीलिए प्लीज़ इसकी एक स्पायरल ही बना के रखो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। PDF यार पढ़ नहीं पाओगे, अगर PDF अगर आप चाहते हो कि PDF बनानी है फ़ोन से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो यार, पर आंखों का स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है आर्किटेक्चर करियर में। सो इसलिए प्लीज़ एक फॉर्मेट बना के रखो कुछ इस तरीके से स्पायरल का। एंड यहाँ पे हम एंड करते हैं ये वाली जो हमारा सब्जेक्ट है उसे। अब आ जाते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बच्चों को इसी से डर लगता है, विच इज़ SOM। ठीक है, जो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स। एंड ये जो बुक है ये है बीरेंद्र सिंह और कैप्सन की पब्लिशिंग है, जैसे कि इसका फ्रंट लुक आप देख पा रहे हो। और ये जो किताब है इसकी कीमत बता देता हूँ। सो इसकी जो कीमत है वो आपकी है 280 लिख रखा है इसके ऊपर, सो 280-250 के बीच में आपको ये मिलेगी। और ये बुक आप बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है, एंड इसके अंदर जो कंटेंट है वो बता देता हूँ, एंड मेरे पास जो आ रहे हैं वो कंटेंट वो बता देता हूँ जो मैंने पढ़े हैं। तो मैंने इसमें सबसे मेन जो पढ़ा है वो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एंड शेयर फोर्स के बारे में एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पता लगेगा। शेयर फोर्स क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। एंड ट्रसेस के बारे में भी नॉलेज है इस बुक के अंदर, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे बोलते हैं, सो MOI। ठीक है, तो वो भी है इसके अंदर, सो आप वो पढ़ सकते हो इसके अंदर से। साथ ही साथ जो मेरी दूसरी बुक लगी हुई है विच इज़ अप्लाइड मैकेनिक्स, एंड इसके अंदर से ऐसा क्या है, क्योंकि ये बुक दो मतलब ये एक ही सब्जेक्ट के अंदर लगी है, स्ट्रक्चर्स के अंदर दो बुक्स लगी हुई है हमारी। एंड ये क्यों लगी हुई है वो बता देता हूँ, बिकॉज जो हमारा एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में से एक जो चैप्टर है जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसके अंदर से एक चैप्टर है जो कि है लॉज ऑफ फोर्सेज। सो लॉज ऑफ फोर्सेज के लिए हमें ये वाली बुक रेफर करी थी, एंड इसके अंदर जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख रखा है लॉज ऑफ फोर्सेज जो कि पहला चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो,
एंड ये जो बुक है ये है जेएस ओलक्की, एंड इस बुक की जो प्राइस है वो आपकी पड़ेगी लगभग आपको 200 के आसपास, ठीक है 228 लिख रखा है इस पे, पर 200 के अंदर आपको मिल जाएगी, 190-180 ऐसे मिल जाएगी। अगर आपने सेकंड हैंड लेनी तो उससे भी सस्ती मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारा ये वाला सब्जेक्ट भी हो गया फिनिश। एंड अब आ जाते हैं हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, एंड ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है क्योंकि यहाँ पे हमें इनडेप्थ नॉलेज मिलती है मटेरियल के बारे में जो कि हमारे घर के अंदर या फिर डे टू डे लाइफ में जो कि हमें सीखने को मिलता है या देखने को मिलता है कहीं भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो हमें यहाँ पे बजरी, रेता, ये सारी जो हमें लेमैन में पता है, लेमैन लैंग्वेज में पता है जिनको हम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता लगता है। यहाँ पे स्टोन्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, टिम्बर एंड ऑल, इन सब के बारे में हमें पता लगता है कि कैसे उनको प्रोवाइड करें, कैसे उन्हें प्रिवेंट करें, किस तरीके से उन्हें यूज़ करें, क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनके बारे में टाइप्स हैं उनके, क्या उनके बीच में डिफरेंशिएबिलिटी है कि स्टोन अगर है और ब्रिक, स्टोन और ब्रिक के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हमारे पास इसमें मिल जाता है सारा का सारा। एंड यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हो इसका, कुछ इस तरीके से इसका कंटेंट मिल जाता है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ये इसके पूरा पूरा व्यू एंगल है, एंड इसका जो फ्रंट है वो ये है, एंड जो इसका बैक है वो ये है, विच इज़ 200 रुपीज़ यहाँ पे लिख रखा है। एंड आप इसको 180-100 ऐसी खरीद सकते हो, अगर आपको सस्ती मिल रही है तो खरीद सकते हो। साथ ही साथ आप इसको मेरे हिसाब से अमेजोन पे भी होगी तो आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हो, मुझे लगता नहीं कि होगी, बट अगर आपको मिल रही है तो आप खरीद सकते हो इसे। अब आ जाती है हमारे पास दो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसा फूका है, तो वो है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। सो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है ये दोनों, और पहली बुक है हमारी ये जो कि है आपकी बीसी पुण्या, ठीक है। सो ये जो बुक है वो है बीसी पुण्या, एंड ये जो बुक है हमारी ये है डब्ल्यू बी मैके, ठीक है। ये दोनों बुक हैं, इन दोनों का कॉस्ट इक्वल्स टू 1000 रुपीज़, ठीक है। तो 500 की है, 500 की है यार, इसमें मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये 500 से ऊपर की बुक है और ये जो है 500 के अंडर भी आती है, कभी 500 से नीचे भी आती है, 460 की भी आती है। सो अब फटाफट से बताता हूँ ये दो बुक्स क्यों फॉर एक सब्जेक्ट के लिए। ये जो बुक है इसके अंदर आपको मिलेगा इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स के लिए अगर आपने प्रेफर करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ अच्छी ड्राइंग्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है एशलर, सो ये ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कितनी डिटेल है। सो ये शीट्स हमें बनाने को दी जाती है कॉलेज के अंदर, एंड मैंने जो अपने शॉर्ट में बना रखी है वो यही वाली शीट है। और साथ ही साथ ये जो बुक है इसके, ये जो इतनी मोटी, इतना सब कुछ, मतलब इतनी मोटी बुक क्यों है ये, तो इसके बारे में बता देता हूँ फटाफट से। सो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक है, विच इज बी से पुण्या क्या हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कंटेंट जो है वो आपका सारा सारा डिटेल्ड है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिया एंड छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाउंडेशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप पढ़ सकते हो, यहाँ पे शैलो फाउंडेशन हो गया किस तरीके से होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे के सारा हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इन डेप्थ नॉलेज रखती है ये अकेली की बुक, ठीक है। और अगर इससे भी तगड़ी बुक चाहिए आपको, अगर आपको चाहिए कि यार ये दोनों बुक्स को एक में डाल दूँ, अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये दोनों बुक्स एक ही में डल जाएँ, सो आपको एक बुक लेनी पड़ेगी विच इज़ जेएस लायल, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, वो अभी मेरी कज़न के पास है। सो मैं आपको वो लेके भी आ जाऊंगा, उसके लिए भी अगर आपको चाहते हो कि वो लेके आऊँ और उसके बारे में थोड़ा बताऊँ, सो आप यार कमेंट करके बता देना प्लीज़। सो ये जो है हमारी बीसी की किताबें हो गई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, एंड अब आ जाते हैं हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये है हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये जो बुक है वो लगी हुई है। सो आर्किटेक्चर ड्राइंग नहीं लिखा इस पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा है। आपको ये बताता हूँ ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों खरीदनी चाहिए सबसे मेन। तो ये जो बुक है ये क्यों खरीदनी चाहिए सबसे मेन, पता लगता है हमें जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, सो उसके अंदर कभी भी हम कोई प्लान, एलिवेशन, कोई भी हम कुछ भी दिखा रहे हैं, सो उसके बारे में भी हमें उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स दिखानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स बनानी पड़ती हैं, सेंटर लाइन हो गया, जो ब्रिक लाइन, ब्रिक की जो हैच होती है किस टाइप की हैचेस यूज़ करे जाए, स्टोन की हैच कौन सी होती है, तो ये सारी जितने भी नॉलेज है वो आपको ये वाली बुक जो है वो देगी। साथ ही साथ इस बुक के अंदर हमें पता लगता है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, जितने भी इसके अंदर सबसे मेन जो बुक है वो इसी के लिए जानी जाती है, फॉर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए ये जो बुक है बहुत ज़्यादा रेफर करी जाती है, और मैं ये बुक का नाम जो है वो बता देता हूँ, एनडी भट्ट नाम है इस बुक का, और इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, एंड इसका जो बैक है वो ये है, एंड इस पर प्राइसिंग लिखी हुई है 350।
सो ये आपको 300 के अराउंड मिलेगी, 320-300 ऐसी मिल जाएगी। और अब आते हैं एक्सेप्शन पे। सो एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास एक बुक है जो कि है स्ट्रक्चर्स की, विच इज टॉस। सो ये बुक जो है, ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगी हुई, बट काफी बच्चों को बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में ये पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। तो यार ये जो बुक है ये है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड ये जो है ये भी बी सी पुनिया की है, और यहाँ पे जो इसका रेट है वो है 475। तो ये बुक भी आपको 400 से 450 के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। एंड ये बुक इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप बोलो ना कि टॉस क्यों नहीं दिखाई करके, स्ट्रक्चर सोम तो हमारी है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ जो मेरे मेरे दोस्त हैं, तो यार हमारे तो सोम है, एंड जिनकी टॉस है सो उनके लिए मैंने दिखा दी। सो प्लीज़ यार अपने टीचर से पहले पूछ लेना कि स्ट्रक्चर्स में उनकी कौन सी बुक यूज़ होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे अपने टीचर से यही पूछा था कि हमारी कौन सी बुक लगेगी, क्योंकि मैं ये हमारी होगी सारी की सारी बुक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख लिया, और अगर कोई बुक मेरे से मिस हो गई हो तो यार प्लीज़ उसको थोड़ा सा बता देना कि यार ये सब्जेक्ट मेरा है तो इसके लिए मैं कौन सी बुक प्रेफर करूँ, सो मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ मेरे हैं। CCA चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में मैं पढ़ रहा हूँ, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही बुक्स अभी यूज़ कराई जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बट अगर आपके वहाँ कुछ और बुक्स आ रही हो और या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, सो आप मेरे को पिन मतलब कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट करके प्लीज़ पूछ लेना यार ये जो बुक है मतलब इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अभी इतना ही एंड रखते हैं यहाँ पे, और अगर आपने वीडियो देखी हो, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को एंड लाइक कर सकते हो इस वीडियो में, एंड अगर आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, और कुछ भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लियर कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ना बढ़ाते हुए बाय बाय दोस्तों।